दोस्तों नमस्कार। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है टोनी अशाई एंड बॉलीवुड। मैंने पहले भी दो वीडियोस बनाए हैं, लिंक बिटवीन पाकिस्तान एंड बॉलीवुड। पाकिस्तान अपनी आईएसआई के थ्रू बॉलीवुड के लोगों से कांटेक्ट बनाता है, उनके थ्रू कुछ ऐसे ऐसे ऑपरेशंस चलाने की कोशिश करता है या उनसे पैसा इकट्ठा करके प्रोपोगंडा करता है और कश्मीर में पैसों का यूज करता है मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की। कुछ दिन पहले कुछ फोटोग्राफ्स आई सोशल मीडिया पे शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान की टोनी अशाई के साथ। ये कहा जाता है कि शाहरुख खान और गौरी खान के बिजनेस लिंक्स हैं टोनी अशाई के साथ। टोनी अशाई ने शाहरुख खान की दुबई की बिल्डिंग्स और लॉस एंजलिस के अपार्टमेंट्स की डिजाइनिंग की थी। शाहरुख खान ने टोनी अशाई को हायर किया था क्योंकि टोनी अशाई एक आर्किटेक्ट है। लेकिन जो टोनी अशाई है कौन? टोनी अशाई एक यूएस बेस्ड आर्किटेक्ट है जो श्रीनगर में बॉर्न हुआ था और उसने उसके बाद उसने आर्किटेक्चर स्टडी किया था चंडीगढ़ में, जहां से वो क्वालिफाई करके 1985 में पास आउट करके चला गया। उसके बाद वो यूएस मूव आउट हो गया। ये कहा जाता है कि टोनी अशाई के इमरान खान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। टोनी अशाई के ट्विटर पे इमरान खान वीडियोस लोड करते हैं जहां पे वो टोनी अशाई को प्लेस करते हैं। आजकल के दिन में ये सोचा जाता है कि इमरान खान जो है पाकिस्तान की आईएसआई के बहुत क्लोज है और उनको ये कहा जाता है कि अगर किसी का इमरान खान से लिंक है तो उसका पाकिस्तान की आईएसआई लिंक है। टोनी अशाई का जो रियल नेम है वो है अजीज अशाई। ये यूएसए में यूनिवर्सिटी जो है बफेलो में उसमें गए पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। और ये कहा जाता है कि टोनी अशाई की जो पढ़ाई का जो खर्चा था यूएसए के अंदर वो फंड किया था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि जेकेएलएफ। टोनी अशाई के बारे में कहा जाता है कि उनका जो पहला जो बिजनेस था यानी कि अशाई डिजाइन्स, वो भी जेकेएलएफ ने फंड किया था। और ये कहा जाता है कि इमीडिएटली जब उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी खत्म की 1995 में यूएसए में, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया जेकेएलएफ की एक्टिविटीज हैं। और आप लोगों को पता है कि जो जेकेएलएफ है वो पाकिस्तान की आईएसए की स्पॉन्सर्ड है और उसके पूरे लिंक है पाकिस्तान की आईएसए के साथ। टोनी अशाई की जो वाइफ है उनका नाम है जमीला, जो एक डॉक्टर है। उनके दो बेटे हैं सिमन और बिलाल। सिमन 29-30 साल के और बिलाल की उम्र जो है वो 24-25 साल की है। टोनी अशाई कैलिफोर्निया में बेस्ड हैं और वहां से कश्मीरी यूथ को प्रवोक करते रहते हैं पत्थर मारने के लिए या आर्मी के खिलाफ गन्स उठाने के लिए। लेकिन जहां तक इनके अपने बच्चों की बात है, इन्होंने इन बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज से दूर रखा है, उनको कश्मीर नहीं भेजते। ऐसे काम जितने भी कश्मीर के अंदर लीडर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं, सेपरेटिस्ट हैं वो ऐसे ही करते हैं, वहां पे लोगों को भड़काते हैं कश्मीर में आर्मी के खिलाफ करने के लिए काम, उनके खिलाफ एक्टिविटीज करने के लिए, और अपने बच्चों को भेज के फॉरन में उनको फॉरन में रखते हैं इन सब चीजों से दूर। टोनी अशाई की बहुत सी फोटोग्राफ्स आई हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हैं, बड़े क्लोजली बैठे हुए, बड़े इंटीमेटली बैठे हुए। टोनी अशाई दूसरी तरफ से बॉलीवुड की एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट करते हैं कि जब भी बॉलीवुड के एक्टर्स यूएसए में जाते हैं तो टोनी अशाई कोशिश करते हैं उनसे मिलने की, उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाने की या उनको हेल्प करने की, और उनको लंच या डिनर से बुला के रखते हैं ताकि उनके साथ इनके क्लोज रिलेशन रहें। टोनी अशाई दुबई में थे जब वहां पे शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हुई थी अक्टूबर 2014 में। वहां पे टोनी अशाई काफी बॉलीवुड की पर्सनैलिटियों से मिले और उनके साथ उन्होंने फोटोग्राफ भी खिंचवाई और साथ में उनके साथ एक कोशिश करते हैं कि एक क्लोज रिलेशन बनाने की। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो बॉलीवुड के अंदर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और उनके थ्रू कोशिश करना चाहती है कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि प्रोपोगंडा के अंदर भी आप देखते हैं कि बॉलीवुड के थ्रू चाहे एंटी सीए प्रोटेस्ट हो चाहे बाकी कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज है, वहां से कुछ ना कुछ कमेंट्स और कुछ ना कुछ रिएक्शन आते रहते हैं और इसके अंदर पाकिस्तान की आईएसआई का बड़ा रोल है। इनके थ्रू पाकिस्तान की आईएसआई कुछ फंड्स भी रेज करती है, जो फंड्स रेज करके वो यूज करती है कश्मीर के अंदर। ये कहा जाता है कि टोनी अशाई पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल्स हैं उनके साथ भी इनके अच्छे रिलेशन रखते हैं और उनके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। साथ में ये कहा जाता है कि जो टोनी अशाई का बैंक अकाउंट है वो जेकेएलएफ यूज करता है कभी कभी कश्मीरी मिलिटेंट्स को या कश्मीर में फंड्स भेजने के लिए। टोनी अशाई रेगुलरली एंटी इंडिया ट्वीटिंग करते हैं और एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स या उसके अंदर कमेंट्स करते रहते हैं।
इनके थ्रू वो कश्मीर के यूथ्स और वहां के लोगों को भड़काते रहते हैं, वो वहां से कहते हैं उनको कि आप स्टोन्स पिकअप करिए या इंडियन आर्मी के खिलाफ गन्स पिकअप करिए। जब टोनी ईशाई की पिक्चर्स बॉलीवुड स्टार्स के साथ रिलीज हुई सोशल मीडिया पे, तो और उनके बारे में ये कहा गया कि टोनी ईशाई के आईएसएस से लिंक है, तो टोनी ईशाई इस कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के लिए इंडियन मीडिया को ढूंढते रहे। उसके बाद 23 जुलाई 2020 को टोनी ईशाई ने एक जी न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू दी। उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर सारी जो एलिगेशन उनके खिलाफ कि वो पाकिस्तान के हिस्से के लिए काम करते हैं या दूसरी एक्टिविटीज एंटी इंडिया में इन्वॉल्व है, उसको डिनाई किया। उन्होंने ये कहा, माई रिएक्शन इज दैट इट इज ऑल नॉनसेंस एंड बेसलेस एलिगेशंस दैट आई एम एन आईएसए एजेंट। उन्होंने ये कहा उसके अंदर कि मेरे खिलाफ जो एलिगेशंस है कि मैं आईएसए का एजेंट हूं, ये सारी बेसलेस हैं और इनका कोई भी वजूद नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इंडियन इंटेलिजेंस इस चीज को वेरीफाई करे कि एक्चुअली टोनी ईशाई क्या है, इनकी एक्टिविटीज क्या है और क्या इनके आईएसए के साथ लिंक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करनी चाहिए हमारे बॉलीवुड के स्टार्स के साथ, क्योंकि वो इनसे मिलते हैं और वो ये कह सकते हैं हमारे बॉलीवुड के स्टार्स कि उनको नहीं पता था कि टोनी ईशाई कौन है या उसकी एक्टिविटीज क्या है। तो इंडियन इंटेलिजेंस की, इंडियन गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बॉलीवुड के लोगों को टोनी ईशाई के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए। टोनी ईशाई ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और टोनी ईशाई ने यह भी कहा कि इमरान खान को पिछले 20 साल से जानते हैं, और यह भी उन्होंने कहा कि ही नोज शाहरुख खान, मतलब वो शाहरुख खान को जानते हैं उनके बिजनेस रिलेशंस की वजह से। टोनी ईशाई ने शाहरुख खान के बारे में कहा कि वो इंडियन पेट्रियॉट है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे पक्का पता है कि शाहरुख खान को ऐसा कोई क्लू नहीं है कि जो मेरी एक्टिविटीज हैं कश्मीर के ऊपर, यानी कि टोनी ईशाई ये मानते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज कश्मीर के अंदर हैं वो अनडिजायरेबल हैं, एंटी इंडिया है। और साथ में उन्होंने भी कहा कि मैं ऐसे किसी पेट्रियाटिक आदमी से नहीं मिला जो कि शाहरुख खान है। बड़ी अच्छी बात है, इसके उन्होंने जो इस पर क्लैरिफिकेशन दी। टोनी ईशाई और शाहरुख खान एक दूसरे को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। जब टोनी ईशाई उल्टे सीधे कमेंट्स देते हैं कश्मीर के ऊपर, तो क्या शाहरुख खान को नहीं पता चलता? अगर शाहरुख खान इसके बारे में नेग्लिजेंट शो करते हैं या उनको नहीं पता, तो ये बात गलत है, क्योंकि टोनी ईशाई ट्विटर के अंदर बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि शाहरुख खान को उनकी सारी एक्टिविटीज के बारे में पता है। और मैं ये भी कहूंगा कि शाहरुख खान को बिल्कुल पता होगा कि टोनी ईशाई के क्या लिंक है, चाहे जेकेएलएफ के साथ या पाकिस्तान की आईएसए के साथ, क्योंकि जेकेएलएफ पाकिस्तान की आईएसए से जुड़ी हुई है। मैं दूसरी बात कहूंगा कि शाहरुख खान के इंटरेस्ट में है या उनकी भाई गौरी खान के इंटरेस्ट में है कि वो इमीडिएटली टोनी ईशाई के साथ जो अपने लिंक्स हैं उसको खत्म कर दे या उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उससे अपने आप से अलग हो जाए। कि इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो टोनी ईशाई का ये ट्रुथ है ये सबके सामने लाए, और इसके साथ ये जो चीज है ये जो बॉलीवुड के लोग हैं उनको भी बताया जाए कि टोनी ईशाई एग्जैक्टली क्या है। दूसरी बात ये कहूंगा कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे इस आदमी के बारे में नहीं पता, तो ये उसकी गलत बात है। क्यों? अगर कोई आदमी किसी का मर्डर करता है और कहता है कि मैंने मर्डर कर दिया, मुझे नहीं पता कि मर्डर करने पे फांसी मिलती है, आर्टिकल 302 के अंदर एक्शन होता है, या मुझे उम्र कैद की सजा होती है, तो ये उसकी गलती है। अगर शाहरुख खान को बिजनेस कॉन्टेक्ट करने थे टोनी ईशाई के साथ, तो शाहरुख खान को चाहिए था कि उसके बारे में पूरी एक्टिविटीज में वेरीफाई करें कि एक्चुअली टोनी ईशाई क्या है, कौन है। अगर शाहरुख खान ने इसकी वेरिफिकेशन नहीं की, तो गलती शाहरुख खान। दूसरी तरफ बात यह करूंगा कि वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट ने शाहरुख खान के खिलाफ कुछ एक्शन स्टार्ट कर दिए, जैसे ईडी ने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर आंख रखी हुई है, उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो एक अलीबाग में कुछ प्रॉपर्टी है जो बेनामी प्रॉपर्टी है, जो इनकी साली के नाम पे या किसी और के नाम पे, और कहा जाता है कि प्रॉपर्टी इनकी है, तो उसमें आलीशान घर बना हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसके अंदर जो है बाकी हेलीपैड भी है, और उस प्रॉपर्टी की जो टोटल कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 14 से 15 लाख करोड़ के बीच में, और वहां पे उनको एक नोटिस भेजा गया है कि क्योंकि वो प्रॉपर्टी पर उन्होंने फार्म हाउस बनाया, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ उनके जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह वहां सारी मनाई जाती है, ये कहा जाता है कि इनकी बेनामी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी जो है एग्रीकल्चर लैंड थी जहां पे इन्होंने फार्म हाउस बना करके ऐसी इलीगल एक्टिविटीज की है, कंस्ट्रक्शन की है। तो उनको एक नोटिस भेजा गया है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 3 करोड़ 90 लाख का जुर्माना देने के लिए,
साथ में शाहरुख खान की जो कलकत्ता नाइट राइडर्स है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर, उस पर भी ईडी की पूरी नजर है और ईडी उस पर काम कर रही है। तो आगे यही कहूंगा, जय भारत जय हिंद।